बलरामपुर मुख्यालय पर कई दिनों से विद्युत सप्लाई बाधित होने से आक्रोशित मोहल्ला वासियों ने नगर के वीर विनय चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। जिले में आई भीषण बाढ़ का प्रकोप अब शहरी इलाकों में कम होता नजर आ रहा है, बावजूद इसके विद्युत सप्लाई आज 5 दिन बाद भी बहाल नहीं की गई है। लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। सिविल लाइन इलाके में बने पावर हाउस में भी पानी बाढ़ का पानी जमा होने के कारण विद्युत सप्लाई को एहतियातन बंद कर दिया गया था, जिसके चलते भारी बारिश व बाढ़ के बीच स्थानीय लोगों को बिना बिजली के रात गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन अब बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में कम हो रहा है, कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी पूरे तरीके से हट चुका है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। कोई भाई साहब ने कहा, छोटे भाई हमारे 6 दिन हो गया, ये जो नालों पे बराबर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। पहले सुबह एक नदी थी, उसके बाद वो नाला हुआ, नाले के बाद जो नाली का रूप ले लिया है। आज पानी की निकास वहाँ नहीं है इस वजह से, लेकिन हमारा सिविल लाइन पहलवारा जो वहाँ भी बिल्कुल टापू बन चुका था, हम लोग व्यवस्था करके किसी तरह मोहल्ले वाले 1 हफ्ते तक सबर किए थे। आज हम लोगों का करवा चौथ का व्रत है, महिलाएं हमारी सुबह से भूखी हैं, उनको स्नान के लिए पानी नहीं है, इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये लोग इतने अधिकारी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक एक ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं, वो वहाँ वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन सब ये व्यवस्थापक है, वो व्यवस्था करें कि उनको कैसे बाहर निकालें और हम लोगों को कैसे पानी दिया जाए, हम लोग को पानी दिया जाए, बिजली दिया जाए। बच्चे भाई छोटे छोटे, मेरे पिताजी उनका कमर की हड्डी टूटी, बेचारे वो उसी पानी में रह रहे थे 3 दिन से, और बेचारे मतलब वाकर सारे चल रहे थे। ये इसलिए आज हमारा पूरा नगर आक्रोशित है। अगर वाकई में अगर 4 बजे तक नहीं हो व्यवस्था की, हम लोग यहाँ आकर के बैठेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।